हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 रेड लिपस्टिक। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन सी हैं ये टॉप 5 रेड लिपस्टिक, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिपस्टिक की सबसे पहली लिपस्टिक है आई एम्स्टरडैम से, और ये है आई एम्स्टरडैम की मैट फिनिश लिपस्टिक। बट मैं पहले ही बता दूं कि ये मैट नहीं है, सेमी मैट या डेमी मैट आप बोल सकती हैं, बट ये कम्प्लीटली मैट नहीं है। इसका प्राइस है 199 रुपीज़, और ये है इसका हैंड स्वाच। तो आप देख सकती हैं कि ये कैमरे में आपको थोड़ा सा डल दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये ब्राइट कलर है, ये ऑरेंजिश रेड कलर है। तो अगर आप ब्राइड हैं, या अगर आप होने वाली ब्राइड हैं, या फिर अगर आपको रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर बात करें इसकी स्टेइंग पावर की, तो ये आपके लिप्स पे 4 to 5 आवर्स तक इजीली स्टे कर जाएगी। बट अगर आपने कोई ऑयली फूड लिया, तो ये आपके लिप्स से फेड हो सकती है, हो सकती नहीं है, हो जाएगी। लिपस्टिक है एन वाई वे की मैट मैट लिप क्रियोन, और इसमें मेरा शेड है 6, और इसका प्राइस मुझे फिक्स याद नहीं है, तो इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और जब मैंने इसे बाय किया था, तो ये मुझे अंडर 100 मिली थी, या आई थिंक 65 या 60 रुपीज़ के आसपास ही मिली थी। तो अगर आपको भी एक परफेक्ट रेड कलर चाहिए, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये है इसका हैंड स्वाच, और ये लिपस्टिक थोड़ी सी पिंक अंडर टोन पे आती है, जो कि इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट होती है, और इसलिए भी ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। वैसे इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट लिपस्टिक है रेवलॉन से, और ये है रेवलॉन की कलर बस्ट लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है 085 रूबी। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस भी फिक्स नहीं है, और जो भी प्राइस होगी, प्राइस डिटेल्स सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये लिपस्टिक थोड़ी सी प्राइसी है, और एन वाई बे की लिपस्टिक अंडर 100 रुपीज़ आती है, बट एन वाई बे की शेड नंबर 6 और रेवलॉन की कलर बस्ट रूबी 085 दोनों एकदम सेम कलर हैं, सेम शेड हैं, बट जो रेवलॉन का जो शेड है, ये रेवलॉन है, और ये एन वाई बे का। रेवलॉन का शेड जो है वो थोड़ा सा शाइनी है, और एन वाई बे का शेड थोड़ा सा मैट दिखता है, और बाकी दोनों पिंक अंडरटोन पे हैं, और दोनों एग्जैक्ट सेम रेड कलर हैं। तो अगर आप चाहें, तो अगर आपको रेवलॉन में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप एन वाई बे की लिपस्टिक ट्राई कर सकती हैं, दोनों सेम हैं। नेक्स्ट लिपस्टिक भी रेवलॉन से है, और ये है रेवलॉन की सुपर लस्टीरियस लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है 725 लव दैट रेड, और इसका प्राइस भी मुझे श्योर नहीं है, तो इसका प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, या सभी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर बात करें इस रेड कलर की, तो ये परफेक्ट रेड कलर है, ये देखिए, ये परफेक्ट रेड कलर है, जो रेड कलर मोस्टली हम सर्च करते हैं। तो ना तो ये पिंक अंडरटोन पे है, ना तो ये ऑरेंज अंडरटोन पे है, ये रेड अंडरटोन पे है, मतलब ये परफेक्ट रेड कलर है। तो आप चाहें तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, बट ये ग्लॉसी लिपस्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीमी फिनिश की है, तो ये आपके लिप्स से बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होगी। बट उसे सॉल्व करने के लिए आप अपने लिप्स को हल्का सा टिश्यू पेपर से टैप कर सकती हैं, या फिर उस पर लूज पाउडर अप्लाई करके उसे मैट कर सकती हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये क्रीमी लिपस्टिक है, तो ये नॉर्मली भी आपके लिप्स से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट लिपस्टिक है ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिप कलर, और इसमें मेरा शेड है 3 रेसबेरी लव। इसका प्राइस है 205 रुपीज़, आई गेस, हाँ 205 रुपीज़, और ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत पसंद है। और ये है इसका हैंड स्वाच। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, ये पिंक अंडरटोन पे आती है। वैसे आप इन सभी लिपस्टिक को देख सकते हैं, सिर्फ आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक ऑरेंज अंडरटोन पे है, बाकी ये चारों लिपस्टिक पिंक अंडरटोन पे है। तो अगर आप ब्राइड हैं, या अगर आप होने वाली ब्राइड हैं, तो आप इन लिपस्टिक को एक बार ट्राई ज़रूर करें। सारे शेड नहीं, बट इनमें से कोई सा भी शेड आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें, क्योंकि न्यू
जो ब्राइड होती हैं, नई दुल्हन होती हैं, उनके ऊपर ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये ऐसे शेड हैं जो आपके फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।